नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। कंटेनमेंट जोन से बाहर और गतिविधियां शुरू करने के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में 120 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और अर्पण। कॉर्बेट पार्क में परिचय केंद्र का लोकार्पण। काशीपुर आग हादसे में जांच के लिए समिति गठित। मुख्यमंत्री ने दून चिकित्सालय के लिए स्वीकृत किए 3 करोड़ रुपए। राज्य के अनुपस्थित 81 चिकित्सकों की सेवा समाप्ति के निर्देश। यूपीसीएल के 5 कार्मिकों को लापरवाही में किया निलंबित। और पदाधिकारियों और अभिभावकों के फीडबैक के आधार पर 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोल सकती है राज्य सरकार। 3 चरणों में स्कूलों को खोले जाने के प्रस्ताव पर किया जा रहा विचार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगैर लॉकडाउन लागू न किया जाए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति 15 अक्टूबर से दी गई है। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए इस महीने की 15 तारीख से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह छूट दी गई है कि वे 100 से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। बंद जगहों की कुल क्षमता का 50% उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि 200 से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होना प्रतिबंधित है। वहीं स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील स्तर में 120 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बेस अस्पताल में आधुनिक उपकरणों का शुभारंभ करने के साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल में चौथी जेनेरिक मेडिसिन शॉप का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में ISBT और रिंग रोड को लेकर भी कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले समाजसेवियों को भी सम्मानित किया। हल्द्वानी हमारा बड़ा हब है। हल्द्वानी हमारे कुमाऊं का द्वार है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में हमने आज यहाँ पर ऑडिटोरियम के लिए 8 करोड़ रुपए हम अभी बहुत जल्दी जारी कर रहे हैं। 17 करोड़ पहले इसमें दे दिया गया था। इसी तरह से जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसके लिए जो भूमि है वो ऑनलाइन कर दी गई है। बहुत जल्दी उसकी परमिशन हमको प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट ये 4.25 हेक्टेयर में ये जो कि वन भूमि है उसको बना दिया जाएगा। इसी तरह से आई बैंक के लिए 25 लाख जारी कर दिए गए हैं और अब यहाँ के अस्पताल को उसके इक्विपमेंट उसके लिए खरीदने हैं। ISBT हल्द्वानी ये ऑनलाइन कर दिया गया, भारत सरकार में है और हमको विश्वास है कि अभी हम बहुत जल्दी इसका भी हमारे को परमिशन मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री रामनगर भी पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट में बने नए परिचय केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 2019 में हुई टाइगर गणना के फेज 4 के आंकड़े भी जारी किए, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 21 बाघ बढ़ गए हैं। कॉर्बेट में बाघों की कुल संख्या बढ़कर अब 252 हो गई है। इससे पहले 2018 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन में यहां 231 बाघ गिने गए थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक बार फिर पर्यटन गतिविधियां शुरू होने पर संतोष जाहिर किया। अब पर्यटकों के लिए जो तमाम तरह की जो जांचें थी उसको पूरी तरह बंद कर दिया है। अब हम ये शुभकामना करते हैं कि बहुत जल्दी 80% नहीं 100% हमारे जितने भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो सब पूरी परवान पर वो चढ़ें, ऐसी हमारी कामना है।
मुख्यमंत्री ने काशीपुर का दौरा भी किया। उन्होंने काशीपुर की पुरानी मंडी में आग लगने के कारणों की जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में समिति का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को आग से होने वाले नुकसान का आकलन कर शासन को प्रेषित करने को कहा, जिसके आधार पर प्रभावित दुकानदारों को शासन द्वारा सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए दून चिकित्सालय को SDRF मद से 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से चिकित्सालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लंबे समय से अनुपस्थित 81 चिकित्सकों की सेवा समाप्ति के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन चिकित्सकों की विभाग में अनुपस्थिति की तिथि से सेवा समाप्ति संबंधी प्रस्ताव को सहमति के लिए लोक सेवा आयोग को दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेशों की अवहेलना पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनुपम सक्सेना को भी निलंबित कर दिया है। उधर हल्द्वानी में पिछले दिनों हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से साइकिल सवार औषधीय संयोजक की मौत के एक मामले में सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। UPCL के सहायक अभियंता और उपखंड अधिकारी समेत 5 कार्मिकों को लापरवाही में निलंबित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अभिभावकों और स्कूलों की सहमति के बाद ही 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पदाधिकारियों और अभिभावकों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर स्कूलों को खोलने के बारे में राय बन जाती है तो 3 चरणों में स्कूलों को खोले जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक, दूसरे चरण में कक्षा 6 से 12वीं तक और तीसरे चरण में सभी कक्षाओं को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। सभी स्कूलों में कोविड 19 के लिए जरूरी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। अभिभावकों की अनुमति के बिना किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिले के जिलाधिकारी एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट को कि पब्लिक क्या चाहती है, बच्चों के माता पिता क्या चाहते हैं, उनकी कितनी सहमति है, इन सब विषयों पर अपने विचार एक सप्ताह के अंदर शासन को उपलब्ध कराएं और उस रिपोर्ट के आने के पश्चात हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर कि इसको कैबिनेट में लाएं। उसके पश्चात ही हम यह प्रयास होगा कि विद्यालयों को खोलने के लिए हम 3 फेज बनाएंगे। उधम सिंह नगर जिले में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। इस बीच उप जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बिगवाड़ा स्थित धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि क्रय केंद्रों पर बनाई गई किसानों की सूची में कुछ गलतियां हैं, जिसे जल्द सुधार लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि सभी किसानों की फसल क्रय केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदी जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं कि किसान और काश्तकार यहाँ पर जो है लेकर के आ रहे हैं, धान सूख भी रहा है। और हमारा ये उद्देश्य है कि सभी किसानों को उनका जो MSP है उस पर ही प्राइस मिले। MSP जैसे कि निर्धारित है ग्रेड ए का 1888 रुपये और कॉमन धान का जो है 1868 रुपये निर्धारित किया गया शासन के द्वारा। तो किसानों को उनके जो हक हैं उसको उन तक पहुँचाएँ, वो अपने हक का, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। वहीं बिगवाड़ा के किसान लखविंदर सिंह क्रय केंद्र पर मौजूद व्यवस्थाओं से खुश नजर आए और किसी भी तरह की परेशानी से उन्होंने इनकार किया। मेरा धान यहाँ मंडी में आ गया है, गवर्नमेंट ग्रेड से हमारा चल रहा है, हमारी कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ आपको बता दें कि जनपद में कुल 179 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनमें सहकारी समितियों के 110, UCF के 24, नेफेड के 30 और खाद्य विभाग के 15 धान क्रय केंद्र शामिल हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर संगम बाजार में साल 1960 में बनी सुरंग काफी जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों की मांग के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने सुरंग के ट्रीटमेंट का निर्णय लिया है। ट्रीटमेंट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जिला प्रशासन से 45 दिनों का समय मांगा है। सुरंग की मरम्मत के दौरान यातायात व्यवस्थित सुचारू रहे, इसके लिए जिलाधिकारी ने पुलिस और नेशनल हाईवे विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता की और अहम निर्णय लिए। रुद्रप्रयाग में सुरंग के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में काफ़ी सारी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके लिए NH ने इसका सुदृढ़ीकरण के लिए एस्टिमेट भेजा था, जिसकी स्वीकृति अभी
उनको प्राप्त हो गई है। 45 डेज का क्लोजर करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है, जिसके लिए ड्राफ्ट प्लान सबमिट करने के लिए एसपी को निर्देशित किया है। ट्रैफिक प्लान होने के बाद इसको हम बंद करेंगे और उसके बाद इसका सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 10 दिनों में सुरंग का ट्रीटमेंट कार्य आरंभ हो जाएगा और इस दौरान वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग बाईपास से होगा। पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए हमने 45 डेज का समय मांगा है और इसके लिए जैसे ही हमें रोड क्लोजर की अनुमति मिल जाएगी हम इसको टेकअप कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग रोड क्लोजर यहाँ करेंगे उस समय ट्रैफिक का पूरा दबाव NH-58 पर हो जाएगा, क्योंकि NH-58 पर भी NH श्रीनगर द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसे एक कोऑर्डिनेशन बैठक रखी गई थी जिसमें यह हुआ था कि इन 8-10 दिनों में वह अपने कार्य को या व्यवस्थित कर लें, जो मलबा या निर्माण सामग्री पड़ी उसको हटा लें जिससे कि वहां से ट्रैफिक निकाला जा सके और जिस समय सुरंग का कार्य चलेगा उस समय उनके द्वारा अपना कार्य रोक दिया जाएगा। वहीं सुरंग के ट्रीटमेंट को लेकर स्थानीय लोगों में भी खुशी है। लोगों का कहना है कि सुरंग की मरम्मत होने के बाद दुर्घटनाओं का खतरा कम होने लगेगा। अब इसकी ट्रीटमेंट जो हो रही है वो आम पब्लिक के लिए ही और यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो है ये सुखद बनेगा, जिसके लिए जो है 10-15 दिन या 20-25 जो भी परेशानी होगी जनमानस को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया काम है ये। मंगलवार देर रात नई टिहरी घनसाली मोटरमार्ग के जीरो ब्रिज के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर झील में समा गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। खबर लिखे जाने तक 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और क्षतिग्रस्त वाहन को भी झील से निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि यह वाहन देहरादून से रुद्रप्रयाग आ रहा था, जो मंगलवार से लापता था। सूचना मिलने पर पुलिस ने वाहन की खोजबीन शुरू की, जिसके बाद जीरो ब्रिज के समीप पैराफिट टूटी मिली और कुछ बैग भी बरामद किए गए। आज सुबह जल पुलिस, SDRF और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 2 शवों को झील से निकाला गया। समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू टीम द्वारा शवों की खोजबीन जारी है। 4 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग के रहने वाले ही लोग, और सर्च जारी है नीचे। SDRF पूरा गोताखोर सब लगे हुए हैं। पौड़ी के समीप ओखलियू गांव में आज सुबह गुलदार ने एक 15 वर्षीय बालक को अपना शिकार बना लिया। गुलदार के हमले से घायल बच्चे को 108 सेवा की मदद से जिला चिकित्सालय पौड़ी उपचार के लिए लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले भी गुलदार एक आदमी की जान ले चुका है। वहीं इस दूसरी घटना के बाद से क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के रेंजर अधिकारी अनिल कुमार भट्ट ने बताया कि पीड़ित परिवार को 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे के आसपास गुलदार ने घायल किया और घायल करने के बाद अस्पताल लाते हुए उस बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई। अनुग्रह राशि दिए जाने का प्राविधान है, इनको 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कंटेनमेंट जोन से बाहर और गतिविधियां शुरू करने के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में 120 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कॉर्बेट पार्क में परिचय केंद्र का लोकार्पण। काशीपुर आग हादसे में जांच के लिए समिति गठित। चिकित्सालय के लिए स्वीकृत किए 3 करोड़ रुपए। राज्य के अनुपस्थित 81 चिकित्सकों की सेवा समाप्ति के निर्देश। UPCL के 5 कार्मिकों को लापरवाही में किया गया निलंबित। और पदाधिकारियों और अभिभावकों के फीडबैक के आधार पर 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोल सकती है राज्य सरकार। 3 चरणों में स्कूलों को खोले जाने के प्रस्ताव पर किया जा रहा विचार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।